प्रश्न पाँच पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है उत्तर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि शिशु की नवोदित मुस्कान अत्यंत मनोहारी होती है इससे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है इस मुस्कान के वशीभूत होकर पत्थर जैसा कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर पानी की तरह हो जाता है